मूंग दाल केक बहुत ही इजी तरीके से। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल से बहुत ही अच्छा नाश्ता। ये देखिए, हमने आधा घंटा पहले मूंग की दाल भिगो दी है। आप चाहें तो छिलकों की दाल भी यहाँ ले सकते हैं। हमने यहाँ एक कप मूंग की दाल ली है और अच्छे से ये देखिए दाल भीग करके फूली फूली हो गई है। और अब लेना है एक मिक्सी का जार और दाल को अच्छे से इसमें पीस लेना है। आप इसे दो भागों में करके पीस सकते हैं या फिर एक बार में भी पीस सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दाल का पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छे से दाल पीस करके रेडी हो गई है। और अब हमने ये देखिए इसके अंदर डालने हैं मसाले। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। एक बारीक कटी हुई हमने हरी मिर्च ऐड करनी है और एक मीडियम साइज़ का हमने बारीक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। और एक कटोरी अच्छे से हमने साफ़ करके धो करके ऐड करना है हरा धनिया। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। जो हम नाश्ता बना रहे हैं मूंग दाल का, बहुत ही हेल्दी नाश्ता, इसके अंदर इसका फ्लेवर बहुत ही यम्मी आता है। और बस हमने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, दाल को हमने इतना अच्छे से पीसना है कि बिल्कुल बारीक हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रखना है। जो भी हम इसमें वेजेस ऐड करेंगे या जो मसाले ऐड करेंगे वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इसे ज़्यादा पतला ना करना है, ना ही इसे ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये देखिए बिल्कुल बस इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मूंग दाल केक बनाने के लिए ये जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए है ना कितना झटपट बनकर के रेडी होने वाला नाश्ता। इसमें बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फैंस 1/2 टी स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिएगा और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। फैंस, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा जब हम मिक्स करें तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में हमने मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल चम्मच को एक ही डायरेक्शन में हमने घुमाना है ताकि इससे क्या होगा, जो बैटर है वो फ्लफी हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हल्का हो जाएगा। और हमने इसमें ना इनो डाला है, ना ही हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। बिल्कुल बिना बेकिंग सोडे के हम इसको बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। और अब हम लेंगे एक पैन और पैन में हमने 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लेना है और अच्छे से ऑयल को फैला लेना है। आप चाहें तो ब्रश से फैला सकते हैं, आप चाहें तो स्पून से फैला सकते हैं। और फ्लेम रखना है हमने बिल्कुल लो मीडियम पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बस बैटर को हमने इसमें डाल देना है और किसी चम्मच की मदद से आपने इसे अच्छे से फैला लेना है, अच्छे से इसकी फिनिशिंग दे लेनी है, सारी तरफ से इसे इक्वल कर लेना है बिल्कुल। ये देखिए आप फैलाते फैलाते ही देखेंगे कि ये ड्राई होने लग गया है और पकना स्टार्ट कर दिया है। हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऑयल भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो हमने ऑयल डाला है इससे ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से हम इसे पलट पाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल कम ऑयल के अंदर ये बहुत ही अच्छा नाश्ता रेडी होगा। अगर आप डाइट पर हैं तो ये बहुत ही अच्छा डाइट प्लान है आपके लिए, बहुत ही अच्छा और हेल्दी नाश्ता है, बिल्कुल एनर्जी से भरपूर। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से हमने इसे ढक दिया था और ढक करके हमने इसे जैसे ही हटाया तो ये देखिए ये एक साइड से बहुत ही अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। 5 से 6 मिनट के लिए हमने फैंस इसे एक साइड से पकाना है और पैन को घुमाते हुए ये देखिए बिल्कुल बस इसी तरह से हमने सभी तरफ से इसे अच्छे से सेक लेना है ताकि ये अच्छे से सभी तरफ से सिक जाए। और ये देखिए फैंस, मैं इसे टच करके बता रही हूँ, ये पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ये सिक चुका है। और ये देखिए फैंस, ये इतना अच्छे से सिक चुका है और इसके किनारे देखिए पैन से बिल्कुल छूट चुकी हैं और बहुत अच्छे से हम इसे पलट पाएंगे। ये देखिए फैंस, बिल्कुल आप चाहें तो चम्मच की मदद से या आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए फैंस, मैंने इसे हाथों की मदद से इसे फोल्ड किया है क्योंकि हम तो देसी लोग हैं तो देसी तरीका ज़्यादा अपनाते हैं। और ये देखिए फैंस, कितना अच्छा, कितना गोल्डन ब्राउन इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छे से ये सिक चुका है। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपको पलटने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे प्लेट में पहले ले लीजिएगा, उसके बाद में आपने इसे पैन में वापस दूसरा साइड इसका सेक लीजिएगा। और ये देखिए बस इसी तरह से हमने इसे सेक लेना है और दूसरा साइड भी हमने इसे 5 से 6 मिनट के लिए सेकना है। और आपने इसे ढक करके सेकना हो तो ढक करके सेक लीजिएगा, नहीं तो आप इसे खुला भी सेक सकते हैं, अच्छे से ये पक जाएगा, बहुत ही ईजी तरीके से पक जाएगा। लेकिन फ्लेम हमने रखना है लो मीडियम पे। आप ये देखेंगे फैंस, ये बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा। और 1 टीस्पून हमने ऑयल और ऐड किया है इसमें,
ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग के लिए आप चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हमने ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। दोनों साइड से हमने इसे अच्छे से सेक लिया है। ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह हम इसे घुमा सकते हैं, घुमा घुमा करके हमने दोनों साइड से इसे सेक लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा गोल्डन, बिल्कुल प्यारा, अच्छे से ये सिक करके रेडी हो गया है। और पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इसे अच्छे से काट लीजिएगा। और ये लीजिए फैंस, मूंग दाल केक बन करके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फैंस, मेरे घर में ये सभी को बहुत पसंद है और सप्ताह में 2 बार मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। फैंस ये बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी होगा, आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कीजिएगा। और ये देखिए अच्छे से हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही लजीज नाश्ता रेडी है मूंग दाल का। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।